हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोशल साइंस यानी एसएसटी के सिलेबस की कि आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, आपका कितने परसेंट सिलेबस रिड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड बोर्ड, उसके हिसाब से आपका कितना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आप लेटेस्ट अपडेट रहें। चैनल पर अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए ताकि आपको उत्तराखंड बोर्ड के किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड बोर्ड ने जो नोटिस जारी किया था उसमें उन्होंने यही डिक्लेयर किया है कि आपका जो डेटेड पोर्शन है जो 2020-21 का था वही सिलेबस आपका क्या रहेगा 2021-22 में रहेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं अच्छे से दूंगा क्योंकि कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसे एक बार दोबारा से आप हमें बताएं, हमें बहुत कन्फ्यूजन हो जा रहा है, हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ें और कौन से टॉपिक ना पढ़ें। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये सिलेबस दोबारा से अपलोड किया है। हालांकि वीडियो ये पहले से भी अपलोड है मेरे चैनल पे, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। और जो इससे पहले के दो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी वाला वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके आसानी से उन वीडियो के लिंक पे जाके क्लिक करके उनका सिलेबस भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको खाली डिलीटेड पोर्शन बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश का भी मैंने डिलीटेड पोर्शन ही बताया है, अदरवाइज जो इसके अलावा आपका बचेगा आप सब उन चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से जो आदेश आया उसके अकॉर्डिंग हम ये सिलेबस आपको बता रहे हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उत्तराखंड यूबीएससी की ऑफिशियल साइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो इंडिया रिसोर्स एंड रिसोर्सेज एंड देयर डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है बुक है आपकी, उसमें से आप देखेंगे कौन सा आपका चैप्टर डिलीट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। थर्ड चैप्टर जो आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके अंदर आपके कुछ ये है, देखो टॉपिक्स इससे मिलते जुलते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर रिलेटेड है आपका, ये पूरा टॉपिक जो आपका दिख रहा है इसमें से ये जो पूरा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं आपके सारे के सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, इससे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वाटर रिसोर्सेज वाले से पूरा जो आपका ये जितना भी होता है कंजर्वेशन वगैरह हो गया, मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, ऑल टोटल चैप्टर आपका क्या है डिलीट कर दिया गया है। खाली इसे आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्स चैप्टर जो है का मिनरल रिसोर्सेज वाला, इसमें से भी आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीट हो चुका है। ऐसा ये ना समझे कि हमारे कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, बट यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर ही आपका ये क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसमें से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड के पार्ट की, अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे यानी पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया, हट चुका है। इसमें से अब आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। आगे हम बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो आपका टॉपिक है इसमें से भी आपका आप कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट हो चुका है। तो आपका एसएसटी में जो सिलेबस इस बार का डिलीट हुआ है बस आपके यही पांच चैप्टर हैं जो आपके यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड से क्या किए गए, डिलीट किए गए हैं। इसके अलावा का आपका एसएसटी में अभी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसके अलावा आपको सब कुछ अपना पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इन पांच चैप्टरों को छोड़ के अदरवाइज आपको एसएसटी में अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी है, अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, इनके अलावा आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हमने एसएसटी के सिलेबस को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया गया है। इन चैप्टर के अलावा जो आपके चैप्टर ज्योग्राफी में बसते हैं, अदरवाइज हिस्ट्री वगैरह सब में बसते हैं, उन सबको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आप इस चीज़ को ध्यान में रख लें। आपको डिलीटेड सिलेबस मैंने बता दिया है, अदरवाइज इसके अलावा आप सब पूरा अपने अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।